बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए हैं। तो विधानसभा भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस के नेता, जहां पर सरकार के बजट पेश करने से पहले ये धरना प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस के विधायकों के जरिए शुरू किया गया है। तो आपको बता दें कि बजट सत्र चल रहा है और आज का दिन बेहद अहम प्रदेश के लिए, क्योंकि आज योगी सरकार अपना चौथा बजट पेश करेगी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा बजट अब तक का होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए हैं और ये तस्वीरें सीधे आपके सामने, जहां हाथों में तख्तियों को लेकर कांग्रेस के विधायकों का धरना जो है वो विधानसभा भवन के बाहर जारी है। तो जब सत्र की शुरुआत हुई थी उस दौरान भी यहां देखा गया था कि न सिर्फ कांग्रेस के विधायक बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और इस दौरान बातचीत नरेंद्र यादव हमारे सहयोगी, जिन्होंने इन कांग्रेस के विधायकों से की है, क्या कुछ कहना है इनका, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के विधायक यहाँ धरने पर बैठ गए हैं, आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग धरने बैठे? देखिए, पिछले बजट सेशन जो हुआ था उसमें एक लंबा चौड़ा 4 लाख से ऊपर का बजट प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया था, पर बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, ऐसे जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुराना बजट नहीं खर्च कर पाई। तो जब पुराना बजट नहीं खर्च कर पाई है तो नए बजट को लाने की क्या आवश्यकता है? तो हम सरकार से जवाब चाहते हैं इस पर। बिल्कुल, आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या सदन चल रहा था उस दौरान बात नहीं हुई, अब क्यों आप लोगों को तमाम मांगों के लेके धरना करना पड़ा? सदन चल रहा था चूंकि आज बजट पेश होना है और ये सामान्य बजट है, इससे पहले जो चालू वित्तीय वर्ष है इसमें दो दो बार आप सप्लीमेंट्री विधेयक लाए बजट का, तो सप्लीमेंट्री बजट लाए आप दो दो बार, जो सामान्य है वो पिछले वर्ष आप फरवरी मार्च में लेकर के आए, उसका अभी तक 40% भी नहीं खर्च हो पाया। बिल्कुल, इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के विधायक इस समय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और इनका कहना है कि आम बजट है, पिछला बजट खर्च नहीं हो पाया है, ऐसे में सरकार पर उंगली उठाते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन आमिश के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ। तो नरेंद्र यादव फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, अब से कुछ ही देर में, वक्त बेहद कम बचा हुआ है जब यहां पर बजट पेश होगा योगी सरकार का चौथा, लेकिन उससे पहले जब हम सत्र की शुरुआत से ही देख रहे थे कि लगातार धरना प्रदर्शन यहां पर महंगाई को लेकर हो रहा था, तो अब यहां पर बजट को लेकर कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधा तौर पर यहां पर कहना है, जैसा कि आपसे चर्चा भी हुई है, कि जो बजट पहले के थे अभी तक वही पूरा नहीं हो पाए हैं और अब ऐसे में इस बजट को, जो चौथा बजट पेश किया जा रहा है, बहुत बड़ा ऐसे करार दिया गया है। बिल्कुल, जो बजट है आज ये ऐतिहासिक बजट होगा, जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। सरकार चाहेगी कि समग्र बजट हो जिसमें हर सेक्टर को कवर किया जा सके, चाहे वो नौजवान हो, गरीब हो, किसान हो, चाहे तमाम जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर एक भारी बजट की जरूरत है जो शुरू की गई थी। इसी को लेकर के बजट से पहले कांग्रेस के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहुंचकर विधानसभा गेट के दो पर धरने पर बैठे और उनका दावा था कि सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही, पैसा नहीं खर्च कर पा रही, जो पहला बजट था वो नहीं खर्च कर सकी, तो इस बजट की क्या जरूरत है, और ये महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और किसानों को कोई लाभ नहीं दे पा रही है, उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, तो कई मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ कई विधायक कांग्रेस के धरने पर बैठे और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, बैकवर्ड विरोधी है, ये सब स्लोगन लिखकर लाए थे और नारेबाजी किए और यहाँ पर धरने पर बैठे रहे। इस तरीके से देखा जाए तो बजट का मुखर विरोध करने के लिए कांग्रेस ने ये रास्ता अख्तियार किया और बजट पेश होने से पहले उन्होंने धरना प्रदर्शन कर सरकार पर करारा हमला बोला। जी नरेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रदर्शन फिलहाल विधानसभा भवन के बाहर देखने को मिल रहा है, क्या वो सदन के भीतर भी देखने को मिलेगा बजट पेश होने से पहले?
निश्चित तौर पर जिस तरीके से विपक्ष ने रुख अपनाया है उसको लेकर के निश्चित तौर पर सदन में हंगामा रहेगा। हालांकि थोड़ी देर में बजट पेश होगा और बजट पेश होने के दौरान ही कांग्रेस, बसपा और सपा के विधायक हंगामा करेंगे, क्योंकि बजट सत्र के शुरुआत से ही लगातार विपक्ष एकजुट है और हमलावर है, सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है, चाहे बेरोजगारी हो, किसानों का भत्ता हो और चाहे तमाम मुद्दे हो, विकास के सभी पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। और आज बजट सत्र है, निश्चित तौर पे विपक्ष सरकार को घेरेगा और तमाम कमियां गिनाएगा, सरकार की विफलता को सामने लाने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो सदन में बजट के दौरान हंगामे के आसार काफी हैं। जी बिल्कुल, यानी कि थोड़ा ही वक्त बचा है और ऐसे में बजट पेश होने से पहले ये बड़ी खबर, जहां प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस विधायकों के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।